बेगम लालू यादव जी शांति लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलू कलकत्ता चला सुनो लालू का चाहने वाले लोगों जब तबला बजेगा धिन धिन तो एक आदमी पर बैठेगा तीन दिन मोदी को बताने आए हैं बिहार उड़ती चिड़िया के को हल्दी लगाता है आज पर नरेंद्र मोदी आओ फरियालो बात सुनो भाई भाई चराने वाला पर संदेह कर रहा है यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा अभी अमित शाह आए थे इतना मोटा पेट चढ़ गया हुआ बताओ लालू पूछ रहा है नीतीश कुमार खाली लोटा लेके आते हैं बोले ना हाँ लालू के बाद नीतीश लालू के बाद नीतीश मम्मी भले हमारा सोनिया जी का झगड़ा रहता है कि हमको बोलते हो जंगली है आंख दिखा दो लड़ाई लालू यादव लटपट लड़ना नहीं चाहता है इधर हम देख रहे हैं कि मोदी जी को के अंदर बड़ी चिड़चिड़ाहट आ गया है चिड़चिड़ाहट मोदी जी बोलते हैं 40 रुपया किलो कर दूं 60 रुपया किलो कर दूं लो 80 रुपया किलो कर दिया बोला था काला धन हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11 और 15.5 से गुना कर दो तो 1 करोड़ कई लाख हो जाता बैठ के चाबते रहते हम लोग बोले ना गुड आफ्टरनून एवरीवन जी न्यूज में आप सभी के साथ मैं हूँ शैली सैनी बिहार में रविवार को महागठबंधन की स्वाभिमान रैली थी लेकिन वो मंच लालू प्रसाद यादव की लाफ्टर पॉलिटिक्स में बदल गया लालू के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी तो आए ही उस रैली में मौजूद सभी नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा चाहे वो सोनिया गांधी हो शरद यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो सभी ने एक सुर में मोदी पर आरोप लगाया तो रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी ने जवाब देने का जिम्मा उठाया है मंच पर बैठे हुए और समारोह में आए हुए सभी नेता कार्यकर्तागण और बेगम लालू यादव जी राबड़ी देवी आप सब लोग आए हैं मोदी जी को बताने के लिए भाजपा को इधर हम देख रहे हैं कि मोदी जी को के अंदर बड़ी चिड़चिड़ाहट आ गया है चिड़चिड़ाहट हमने पता किया कि आखिर इतना बात क्या हो रहा भाई तो मोदी जी आए थे गया में उनके पुरखे पितर इंतजार कर रहे थे कि मेरा औलाद आया है पिंडा उंडा दे के जाएगा लेकिन दूसरे पिंडा पार के चले गए तो एक नेता है शायद वो रामविलास जी के पार्टी में है जीता है यहां से औरंग जहानाबाद से अरुण नाम है बोला कि अनंत पर अगर आगे नीतीश कुमार कार्रवाई किया तो छाती तोड़ देंगे लालू यादव ने कहा कि सुन ये 90 के पहले वाला बिहार नहीं है यह 90 के बाद वाला बिहार है छाती तोड़ने की बात करते हो वहीं पर लालू यादव खड़ा है जब तबला बजेगा धिन धिन तो एक आदमी पर बैठेगा 3 दिन में बताना चाहता है चारों तरफ से लोग आए हैं कि बोलता है कि जंगल राज दो पिछड़ा का बेटा जब एक हो गया दोनों पिछड़े हुए थे तब बोलता है कि जंगल राज हो गया
ये जो लोग आए हैं मोदी को बताने आए हैं कि हमको बोलते हैं जंगली हैं, हम लोगों ने दिया गरीबों को आवाज तो तुम बोलते हो जंगल। ये क्या पटना में बैठता है सुशील मोदी? सुशील मोदी क्या बोलता कि जब से लालू यादव आए हैं कानून व्यवस्था खराब हो रहा है। कहां इशारा कर रहा? जदुवंशियों पर इशारा कर रहा है, भैंस चराने वाला पर संदेह कर रहा है। इसलिए फैसला ले लो। सोनिया जी के समय में हम थे, उसमें सोनिया जी के मंत्रिमंडल में तब प्याज के दाम बढ़ गया था। प्याज के तब प्याज का माला बना करके बीजेपी वाला घूमता था। अब क्या हाल हो गया? मोदी जी बोलते हैं 40 रुपया किलो कर दूं, 60 रुपया किलो कर दूं, लो 80 रुपया किलो कर दिया, 40 रुपया किलो कर दूं, भाई और बहनों 80 रुपया कर दिया। 17 करोड़ भारतीयों को कहा था कि हम 15.5 लाख रुपया जमा कर दें। बोला था काला धन ना को दम कर दिया कांग्रेस पार्टी का। रामदेव तो बोला था लोगों को कि हम योगासन करेंगे रामलीला मैदान में, आज अब पुलिस आई तो कुदासन कर दिया। लड़की का कपड़ा पहन के भागा ब्लाउज खरवा कर, हमको भी फायदा होता। हमारा हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11 और 15.5 से गुना कर दो, 1 करोड़ कई लाख हो जाता। बैठ के चाहते रहते हम निकाला। मम्मी बचवा से ठगा गया मम्मी। अच्छा जी, अरे 15.5 लाख रुपया। अरे भाई, यार शाह जी बोल दिया कि ये तो जुमला था जो नीतीश कुमार चारों तरफ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। औंगली से बता रहे हैं, सब हम लोग पूछ रहे हैं तेरा जुमला था। झूठ बोल के आए थे अमित शाह बिहार में। जब दाल गायब हो गया, प्याज गायब हो गया तो लोग बोला कि महंगा हो गया। अमित शाह बोलते हैं कि योगासन करो, सूर्य नमस्कार करो। तो बिहार के लिफ्ट में ऐसा फंसे, अभी अमित शाह आए थे इतना मोटा पेट कर दिया हुआ, आज घुसे लिफ्ट में आधा घंटा तक वही में अटके ही रह गए। करो योगासन। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। इंच इंच लड़ाई, कोई मुख्यमंत्री का नहीं है। मुख्यमंत्री तो है नीतीश कुमार को माना हम लोगों ने। दिल्ली बदलो, दिल्ली बदलो, दिल्ली बदलो, दिल्ली बदलो। खाली पैर वापस कराना है। लोग पहले बोलता था कि लालू नहीं मानेगा हमारे विषय में, और लालू ने फिर का प्रस्ताव देश को बचाने के लिए कि हमारा अगला मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा नीतीश कुमार। आप पूछा हमने तुम्हारा कौन है बताओ, बीजेपी बताओ। गुंगी सा लिया है। हमने कहा कि तुम्हारे वंश में कोई है नहीं का रे,
तुम्हारे वंश में सब निर्वंशीय है क्या? एगो एमपी है उनके पार्टी के, पहले के मंत्री है। कल तीन दिन में वो बोल दे कि रैली फ्लॉप कर गया। मैडम रैली कल दिन में नहीं था और उसका नेता बोल दिया कि रैली फ्लॉप कर गया। बताइए उल्लू को दिन में नहीं सोचता है, रात को सोचता। सब व्याकुल है, सब व्याकुल है। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट सिटी। लागल लागल झोलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चाहिए। हम लोग कर कुछ आई चल रहा शहर के तरफ। मोदी जी आप बिहार है, बिहार गरीब हम जरूर हैं, बेवकूफ मत समझो। बिहार उड़ती चिड़िया के को हल्दी लगाता है, उड़ल चिड़िया के हल्दी लगा वाला बिहार। इसे जगह नौजवान तुमको अपमानित किया है नरेंद्र मोदी भाजपा ने। हम लोग सब सजग हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और नीतीश कुमार के हृदय में धुक धुक भी नहीं रहना चाहिए। साहब साहब जब फैसला है हम सब मिलकर भाजपा को वही नागपुर में सब दलित भाई देखो, भाजपा पिछड़ों की दलितों की पार्टी नहीं है। यही भाजपा है कि बोलता था कान में शीशा डालो, यही कहता था भाजपा। पूरी का शंकराचार्य रांची में आया, बोला कि दलितों को मंदिर में प्रवेश मत करने दो। ये हम दलितों को लांछित प्रताड़ित करने वाला यह आरएसएस। ऐसे दूर रहना है दलित भाइयों, हम सब लोग मिलके इनको दर किनारा और करेंगे और सबको इंसाफ सबको न्याय मिलेगा।